नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा BBS होता है उसमें हम लोग जो शेप बनाते हैं बार के, वो हम लोग एक्सेल में कैसे बनाएं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने ये इतना तो काम कर लिया अभी कि हम लोगों ने यहाँ पे वेट का कैलकुलेशन कर लिया कि वेट कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी लगा लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंडिविजुअल जितने भी हमारे डायज हैं यहाँ पे, उनका भी हम लोगों ने सम किया है यहाँ पे अलग अलग, ये भी आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है वीडियो का, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग सम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शेप इंसर्ट करना, कि शेप कैसे इंसर्ट कर, ठीक है ना। तो बार जो हमारा BBS रहता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, उसमें हम लोग शेप इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, और लाइन का यूज़ करके हम लोगों को, ये देखिए ये लाइन है ना, लाइन का शेप, इसको यूज़ करके हम लोगों को अलग अलग शेप्स बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके और होल्ड रखा उसको, जो भी मैंने माउस जो हमारा कर्सर है उसको होल्ड रखा हम लोगों ने क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग एक देख लेंगे कि हाँ अब स्ट्रेट लाइन बन गई है, और उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करके फिर यहाँ पे वापस मुझे लाइन कमांड लेना है, इंसर्ट पे जाना है, और यह कुछ इस तरीके से, और मान लीजिए मुझे कि यहाँ पे बॉटम का बार मुझे यहाँ पे करना है, तो मुझे यहाँ से एक लाइन और लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से ये ली मैंने, इसको ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसी को मैं कंट्रोल सी करके और फिर कंट्रोल भी करूँगा तो यहाँ पे एक और पेस्ट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसको पकड़ के और यहाँ पे रख दूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेप बन गया, ठीक है। और फिर मान लीजिए कोई वर्टिकल बार है, उसका आपको शेप बनाना है, तो फिर वो कैसे बनाएंगे, तो वापस वहीं पे जाएं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको जाना है, और फिर यहाँ पे वर्टिकल बार का बनाना है तो आपको यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये लिया आपने, इसको क्लिक किया, डार्क किया, ठीक है। वापस से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर लीजिए, और इस लाइन को आप लोगों को यहाँ पे लाके रख देना है। ये रख दी मैंने, इसको छोटी कर लीजिए, ठीक है, और ये मैंने इसको यहाँ पे लाके और छोटी कर लिया, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अभी ये तो हो गए, लेकिन अभी ये जो वाला हमारा L है, इसका यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू भी लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए वापस से हम लोग इंसर्ट में ही जाएंगे, और इंसर्ट में जाके ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, और ये मैंने किया तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी यहाँ पे 0.9 मीटर की यहाँ पे मेरी एक ये L है, ठीक है ना। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग वैल्यू लिख सकते हो, छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, जितना भी छोटा करना चाहे। अगर इससे भी छोटा करना है तो फिर मान लीजिए 5 करना है आपको, तो ये मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, तो इतना छोटा हो गया, ठीक है। या फिर इस तरीके से आपको छोटा करना है तो कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए, या तो यहाँ इधर रखिए या फिर इधर में, ठीक है, ये 0.9 रख दिया। अब दूसरी जगह पे वापस लिखना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एक और हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसका हम लोगों को लिखना है तो यहाँ पे फिर वापस से कंट्रोल भी दबाइए और इधर में इसको लेके आ जाइए, ठीक है। इस तरीके से इसको रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, और ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 6 मीटर का है या कुछ भी, जो भी, अभी इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये, या फिर इससे कंपेयर करना चाहे आप लोग कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ में क्या होता है ना कि हम लोग जब कटिंग लेंथ लिखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे बाहर के जो बैंड्स रहते हैं उनको भी माइनस करके लिखते हैं ना, तो ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए लिखा था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 मीटर लिख देता हूँ, 9.000, ठीक है ना, तो ये 9 मीटर यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये अलग है और ये अलग है, मैं आपको यहाँ पे शेप इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, और किस तरीके से हम शेप बनाते हैं और उनको वैल्यूज देते हैं, तो ये इस तरीके से हम लोग देते हैं इसको, ठीक है ना। अब वर्टिकल है तो इसमें भी आप लोग करना चाहें वापस से, तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल सी किया आपने, इस सेल में आए कंट्रोल वी कीजिए, और यहाँ पे आप लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। वापस से आप कंट्रोल वी कीजिए, और वापस से आपको जहाँ पे भी चाहिए
टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर कंट्रोल भी कीजिए और जहाँ पे आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब दूसरा शेप आपको इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपको सर्कल इंसर्ट करना है, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर अलग अलग हमारे यहाँ पे दिए गए शेप्स, ठीक है ना, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि ये सर्कल का ओवल का दिया गया है, तो इसको आप लोग सर्कल बना सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने लिया और यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर दिया, तो इसके बीच में देखो ये इस तरीके से आता है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। और भी यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस, अब जैसे कि ये ब्लैक हो गया, ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे कर दिया, मतलब ये कोई रिंग हो गई अपनी सर्कुलर टाइप की, तो इस तरीके से वो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पूरी यहाँ पे इसका पेरीमीटर लिखते हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, या तो फिर अंदर ही डाल दीजिए इसके टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू हो वो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इस केस में हमारी 8 मीटर है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर मैं मान लेता हूँ 2.5 मीटर है ना, फॉर एग्जांपल। कुछ भी हम लोग अभी शेप बनाना सीख रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसका थिकनेस भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जाके आप लोग लाइन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे विड्थ दी गई है, इसको आप लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 1 पॉइंट की विड्थ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी ये थिकनेस भी यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप लोग। रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट करना है तो रेक्टेंगुलर, ठीक है, या फिर जो भी आपका शेप हो वो आप लोग यहाँ पे लाइए, इसको इंसर्ट कीजिए, कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाके इसका आप लोग चेंज कर लीजिए, है ना, जो भी आपको थिकनेस वगैरह जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जैसे कि एक रिंग होगी, ठीक है, तो इसके हुक्स भी होते हैं, तो आप लोग हुक्स अलग से बना सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग बना लेते हैं। तो हुक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस शेप में जाएंगे हम लोग और लाइन का यूज़ करके हम लोग हुक्स बना लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग ये इस तरीके से एक हुक ये बनाया, इसको कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया और यहाँ पे वापस डाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुक्स बन जाएंगे, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए परफेक्टली, तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे किया और इस तरीके से, ठीक है, और इनका आप लोग कलर चेंज कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस आप लोग टेक्स्ट बॉक्स डाल के और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू, और अब यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स डाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा BBS रहता है उसमें शेप्स इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, जिन दोस्तों को सीखना है उनको शेयर कीजिए, या फिर आप लोग जिनको बताना चाहते हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।